हाँ तो बच्चों, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 57 में स्वागत है। तो देखिए भाई, अब तक हम विभवमापी की दो एप्लीकेशंस के बारे में कैलकुलेशन कर चुके हैं। सबसे पहले तो प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, नंबर दो हमने कैलकुलेट किया था कि अल्प प्रतिरोध मान की गणना किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। अब जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है, ये इसके दोनों प्रैक्टिकली और थे जो मैंने आपको जो दोनों अभी समझाए हैं ना एप्लीकेशन, ये दोनों प्रैक्टिकली टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको जैसे आप लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको इन पर बेसिस प्रैक्टिकल भी करने को मिलेंगे, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सिलेबस में भी हैं। अरे बस समझ में। अब जो मैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी हमारा एक प्रैक्टिकली ही टॉपिक है, और वो है विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो हमारा थर्ड है विभवमापी की सहायता से दो प्रा से बना प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के मान की गणना इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें वही परिपथ चित्र का निर्माण करना है। तो परिपथ चित्र का निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। परिपथ चित्र के निर्माण के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताए रखा है कि प्राथमिक परिपथ तो हर कंडीशन में सेम बनता ही है। इस दुनिया की कोई सी भी एप्लीकेशन हो, विभवमापी से रिलेटेड, सभी में प्राथमिक परिपथ इक्वल बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये प्राइमरी सेल है, प्लस माइनस एपी, कुंजी, धारा नियंत्रक, आरएच, इन तीनों को मैंने विभवमापी तार एबी के साथ श्रेणी क्रम में क्या कर दिया है, संयोजित कर दिया। कोई बात नहीं साहब, कर दिया तो कर ही दिया है, हम पे रुको क्या तुम। तो ये इसका उच्च विभव वाला सिरा और ये निम्न विभव वाला सिरा, प्राथमिक परिपथ का निर्माण कर दिया। अब हम उन दोनों सेलों को यूज में लेंगे जिनके ईएमएफ, बोले तो विद्युत वाहक बल के मान के हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो देखो भाई, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल ले लिया मैंने, दो सेल, इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है मेरे को, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, इसका E1 और इसका E2, ठीक है गुरुजी, ले तो लिया, अब इन्हें जोड़ो सही साहब, कैसे कैसे जोड़ोगे इन्हें। तो देखो, वही द्विमार्गिक कुंजी को उपयोग में लिया है मैंने, एक दो तीन ले लिया। अभी तुम एक बार मैं बना देता हूँ, फिर आप देखना, मज़ा आएगा समझने में, समझाने में आनंद आता है इसको पढ़ने में। तो देखिए कैसे विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना का जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, उसमें सबसे पहले हमने प्राइमरी सर्किट का निर्माण किया है और उसके बाद हमने सेकेंडरी सर्किट का निर्माण किया। प्राइमरी सर्किट के निर्माण के लिए हमने विभवमापी तार एबी के साथ एक सेल, एक कुंजी के धारा नियंत्रक आरएच को श्रेणी क्रम में संयोजित कर प्राथमिक परिपथ का निर्माण किया है। उसके पश्चात हम उन दोनों सेलों को यूज़ में लेते हैं जिनके विद्युत वाहक बल की हमें क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। मैंने वो दोनों सेल यूज़ में ले लिए जिनके विद्युत वाहक बल के मान क्रम से E1 में कितने हैं, E2 हैं।
आप गौर करके देखिए मेरे डायग्राम की तरफ, इन दोनों सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, आ रही बात समझ में, इन दोनों सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो विभव मापी तार ए बी के उच्च विभव वाले सिरे ए के साथ कनेक्टेड है क्या? नहीं कनेक्टेड है। प्रथम सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर एक के साथ कनेक्टेड है। द्वितीयक सेल का नेगेटिव टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल तीन के साथ कनेक्टेड है, जबकि द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल नंबर सेकंड गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से, जबकि गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जौकी या बिसर्पी कुंजी के साथ कनेक्टेड है। बोलो है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमारा ये विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना का परिपथ चित्र कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई रटने वाली तो आवश्यकता ही नहीं। प्राइमरी सर्किट बनाया, दो सेल लिए, दोनों सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको आपने विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे ए के साथ कनेक्टेड कर दिया। प्रथम सेल का नेगेटिव टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक के साथ जोड़ दिया। द्वितीयक सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर थर्ड से जोड़ दिया। और अब आपने क्या किया, इस द्विमार्गी कुंजी का जो मुख्य टर्मिनल नंबर सेकंड है उसको गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को चौक किया, बिसर्पी कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। कंप्लीट ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले आपने प्राथमिक परिपथ को बंद किया, ठीक है। जैसे आपने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है, इसमें कैपिटल आई मान की धारा बहने लग गई है। ठीक उसी समय जैसे आपने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है, प्राथमिक परिपथ को बंद करते इसमें कैपिटल आई मान की धारा बह रही है, ठीक उसी समय आप क्या करोगे, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक व दो के मध्य ये डॉट पिन लगा दोगे। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अब जो धारा बहेगी ना वो केवल कौन से सेल से होकर बहेगी? प्रथम सेल से होकर ही बहेगी, क्योंकि अब इसमें तो कोई संबंध है ही नहीं ना, तो द्वितीयक सेल तो इस समय निरर्थक बैठा है। तो जैसे ही मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक व दो के मध्य डॉट पिन लगाई है, तो इस स्थिति में जो धारा बहेगी वो केवल किससे बहेगी? प्राथमिक सेल E1 से बहेगी। अरे बस समझ में। तो सबसे पहले मैंने प्राथमिक परिपथ को बंद किया और ठीक उसी समय द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक व दो के मध्य डॉट पिन लगा दी। इस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो सेल E1 से होकर बहेगी। अब ये जो प्रथम सेल है जिसका विद्युत भाग बल E1 है, ये अज्ञात है, इसके मान की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसके मान की कैलकुलेशन हम किसकी सहायता से करेंगे? विभव मापी की सहायता से करेंगे। विभव मापी की सहायता के करने के लिए हम क्या करेंगे, जौकी बिसर्पी कुंजी को सबसे पहले विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे पर रखेंगे, धीरे धीरे चलाने लगेंगे और वह संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देता है? शून्य विक्षेप देता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, माना प्रथम सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी है? L1। मैंने माना कि भैया कि प्राथमिक सेल के लिए गैल्वेनोमीटर जिस लंबाई पर शून्य विक्षेप दे रहा है उसकी लेंथ कितनी है? L1। तो E1 समानुपाती L1 हो गया। इसको बैलेंस करोगे तो E1 बराबर में XL1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया भाई, क्लियर। प्राथमिक सेल का विद्युत भाग आपने कैलकुलेट कर लिया है किसके सिद्धांत से? विभव मापी के सिद्धांत से। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब आप डॉट पिन को, यहाँ से तो धारा बह रही है, अब आप डॉट पिन को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक व दो के मध्य से हटाओगे और टर्मिनल दो व तीन के मध्य लगा दोगे। लगा दिया आपने टर्मिनल दो व तीन के मध्य, और जैसे ही टर्मिनल दो व तीन के मध्य लगाओगे तो एक बात बताओ भैया, अब इस सेल का तो लेना देना हट गया, अब जो धारा बहेगी विभव मापी तार में वो किसके कारण बहेगी? द्वितीयक सेल के कारण, E2 के कारण बहेगी ना, जिसका विद्युत भाग बल E2 है। अब इसका तो संबंध हट गया ना, अब धारा किससे बहेगी? E2 से बहेगी। तो अब इसका जो EMF है E2 वो भी हमारे लिए अज्ञात है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे किसके सहायता से? विभव मापी की सहायता से। अब विभव मापी की सहायता से जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वापस से वही जौकी बिसर्पी कुंजी को अपने हाथ में लेंगे और वही स्टार्टिंग से विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे ए से चलाना प्रारंभ करेंगे और वह संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे जहां पर यह गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा? शून्य विक्षेप देगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, माना
माना दित्य सर E2 के लिए कितनी मान ली मैंने L2, यानी कि L2 वो वैलेंस लेंथ है जहां पर द्वितीयक सेल के लिए गैल्वेनोमीटर ने कितना विक्षेप दे दिया, शून्य विक्षेप दे दिया। अब इसको बैलेंस कर लो बेटा, तो E2 समानुपाती L2, संतुलित करोगे E2 बराबर में कितना आ जाएगा XL2। आगे अब हम इन दोनों सेलों का जो EMF है उसकी कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो करने के लिए क्या करेंगे भैया, समीकरण नंबर एक में समीकरण नंबर दो से भाग देने पर दे दें भाग, तो एक में दो से भाग दे रहा हूं, पहले LHS में दे दो E1 बटे में E2 बराबर XL1 बटे में XL2, X पोटेंशियली ग्रेडियंट लेस हो ही गया, क्या बच रहा है आपके पास E1 बटे में E2 बराबर L1 बटे में L2। उपरोक्त संबंध दोनों दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के संबंध को क्या करता है, व्यक्त या प्रदर्शित करता है। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं विभव मापी की फोर्थ एप्लीकेशन, और वो फोर्थ एप्लीकेशन है विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशांकन करना। तो विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशांकन हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, तो जैसे ढंग से सुन लीजिएगा कि वास्तविकता में अंशांकन होता क्या है, वोल्टमीटर का अंशांकन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो आप सुनिए कि देखो भाई, एक तो वोल्टमीटर होता है जो विभव का मापन करता है ना, एक विभव मापी की सहायता से भी हम विभव का यथार्थ मापन करते हैं। परंतु होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, जनरली होता क्या है कि कुछ ऐसे नेचुरली या अननेचुरली या आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी सहायता से वोल्टमीटर के द्वारा विभव के मापन में कुछ एरर्स आ जाती हैं। अरे बस समझ में, कुछ एरर्स आ जाती हैं, एरर का मतलब त्रुटि आ जाती है, किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा विभव के मापन करने में, या कोई भी कारण, कुछ कारण ऐसे होते हैं, अब वो नेचुरली भी हो सकते हैं आर्टिफिशियली भी हो सकते हैं, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिससे विभव के मापन में कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। जबकि हम जानते हैं कि जो विभव मापी होता है वो विभव का यथार्थ मापन कराता है। अरे बात समझ में, अतः वोल्टमीटर के द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण मात्रों की या त्रुटिपूर्ण मानों की विभव मापी के द्वारा त्रुटि रहित मानों से कंपेयर करना या तुलना कराना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वोल्टमीटर का अंशशोधन या अंशांकन। अरे बात समझ में, अरे बात समझ में। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि विभव मापी हमेशा पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी वैल्यू को बताता है, वोल्टमीटर के द्वारा कुछ ना कुछ एरर्स उसमें ज़रूर आ ही जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा वोल्टमीटर का अंशशोधन। अरे बात समझ में, यानी कि जो वोल्टमीटर के द्वारा मापन हो गया, विभव के मापन में जो त्रुटियां आ रही हैं उनको विभव मापी के द्वारा दूर करना ही क्या कहलाता है, वोल्टमीटर का अंश शोधन, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें कोई ना कोई तो परिपथचित्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, पढ़ाएंगे ना अंश शोधन के लिए परिपथचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस परिपथचित्र को हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रूफ फोर्थ कंडीशन और टॉपिक का नाम है वोल्टमीटर का अंशांकन। वोल्टमीटर का अंशांकन, ठीक है। तो सर्किट खींच रहा हूं मैं, परिपथ चित्र बना रहा हूं, तो एक बात हमेशा याद रखो, प्राथमिक चित्र तो प्राथमिक परिपथ तो सभी में कॉमन रहता ही है, तो बनाइए। ये लीजिए, ये मेरे पास सेल, इसके साथ ये कुंजी और ये धारा नियंत्रक,
इन सभी को मैंने विभव मापी तार ए बी के साथ इसमें कनेक्ट कर दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनना, तभी जाकर समझ में आएगी ये वैल्यू। अरे बस समझ में, ये बेटा मैंने प्राथमिक परिपथ बना लिया, ठीक है। अब मैं विभव मापी के तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ एक मानक सेल को जोड़ता हूँ, और यहाँ पर मैं मानक सेल को ई एस से व्यक्त कर रहा हूँ, कर दिया। और इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर एक के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं, आगे। अब हम बात करते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर आ जाए आगे। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक अन्य सेल को यूज में लेंगे, ठीक है। अब जो मैं किसी अदरवाइज अन्य सेल को यूज में ले रहा हूँ उसके साथ मेरे को द्वितीयक परिपथ का निर्माण करना है कि नहीं करना है, तो उस द्वितीयक परिपथ के निर्माण को करने के लिए अब आप सोचेंगे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं जनरली यहाँ पर आने के पश्चात भूल जाते हैं कि सर कि मैं जो द्वितीयक परिपथ का निर्माण कर रहा हूँ उसमें मैं कंपोनेंट्स कौन कौन से लूँगा, अवयव कौन कौन से लूँगा। तो भाई आप वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन पढ़ रहे हो, तो एक तो आपको वोल्ट मीटर चाहिएगा, ठीक है ना, एक आपको कुंजी चाहिएगी, एक आपको धारा नियंत्रक चाहिएगा, एक आपको सेल चाहिएगा, ठीक है। अब बात आती है सर वोल्ट मीटर चाहिए, तो वोल्ट मीटर किसके विभव का मापन करेगा, प्रतिरोध के विभव का मापन करेगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो लीजिए भाई हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास एक प्रतिरोध बॉक्स हो गया, ठीक है। इस प्रतिरोध बॉक्स के साथ मैंने एक द्वितीयक धारा नियंत्रक RS2 को यूज़ में लिया है, ले लिया। यहाँ पर एक सेल है, एक कुंजी, और ये मैंने द्वितीयक परिपथ का निर्माण कर डाला, ये प्लस माइनस कुंजी इवन अन्य सेल हो। अब मुझे जिस वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है एग्जैक्टली उस वोल्ट मीटर को मैं प्रतिरोध के या इस प्रतिरोध बॉक्स के पार्लर में कनेक्ट कर देता हूं, कर दिया मैंने पार्लर में कनेक्ट, ठीक है। अब इस प्रतिरोध बॉक्स का जो निम्न विभव वाला सिरा है उसको द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब बचा कौन, द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल बच रहा है। अब ये हो गया द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल, जिसके एक सिरे को मैंने गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को मैंने जॉकी या बिसर्पी कुंजी के साथ क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। यह मेरे पास बच गया वोल्ट मीटर के अंश शोधन का परिपथ चित्र। अब बहुत से बच्चे, बहुत से क्या, नॉर्मली हर स्टूडेंट के साथ एक ना एक बार तो ट्रेजेडी होती है कि वो खूब अच्छे से याद रखता है लेकिन फिर भी सर्किट को भूल जाता है। तो देखो बच्चों, मैं बार बार सर्किट डायग्राम पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपको देखो सबसे पहले तो प्राथमिक परिपथ याद रखना है, और वो तो सभी में कॉमन बनता है। उसके बाद आपने मानक सेल को यूज में लिया है। अब मानक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे ए के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक के साथ रखा है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, द्वितीयक परिपथ बनाना है ना, तो द्वितीयक परिपथ के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक सेल चाहिएगा, एक कुंजी चाहिएगी, एक धारा नियंत्रक चाहिएगा, और आप अंश शोधन किसका कर रहे हो, वोल्टमीटर का, तो आपको वोल्टमीटर भी चाहिएगा। वोल्टमीटर क्या करता है, विभव का मापन करेगा, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तो कंपोनेंट चाहिएगा ना, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, प्रतिरोध, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स हो गया प्रतिरोध बॉक्स, उसके सिरों पर हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर पैरेलल में, और इसके निम्न विभव वाले सिरे को मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल सेकंड है उसको गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को हमने जो किया बिसर्पी कुंजी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ये प्रथम कुंजी K1 और ये द्वितीय कुंजी K2, ठीक है ना, ये EP, ये E1 और ये मानक सेल ES। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर मानक सेल कहा जाएगा, इसको यहाँ पर मानक सेल कहा जाएगा, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, अब हम इसकी कैलकुलेशन करने लगते हैं कि भाई ये कैसे कैसे वर्क करेगा, या वोल्टमीटर का अंशांकन या वोल्टमीटर के द्वारा विभव के मापे गए मानों में जो त्रुटियां हैं वो कैसे दूर निकलेंगे। अरे बस समझ में, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्राथमिक परिपथ को बंद किया, ठीक है। प्राथमिक परिपथ को बंद करते ही मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मैं डॉट पिन लगा दी। अभी ये परिपथ खुला हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, इस कंडीशन में ये सेकेंडरी सर्किट है ये खुला हुआ रहेगा,
केवल मैंने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है, और जैसे प्राथमिक परिपथ को बंद करके इसमें मैंने कैपिटल आई मान की धारा को दौड़ाया है, ठीक उसी समय मैंने द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल एक में दो के मैं डॉट पिन लगा दी, अर्थात इस कंडीशन में मानक सेल की धारा को यूज़ में लिया जा रहा है। क्लियर, मानक सेल की धारा को यूज़ में लिया जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक, आगे हम बात करते हैं। आफ्टर ऑल अब इस मानक सेल का ईएमएफ कितना है, जैसे कि मैंने इसको शो कर रखा है ईएस, मानक सेल का विद्युत भाग बल को मैं ईएस से शो कर रहा हूं। अरे बात समझ में, इसको मैं मानक सेल पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एस से बनता है स्टैंडर्डलाइजेशन, एस से बनता है स्टैंडर्डलाइजेशन, ठीक है ना, मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो ईएस, अब जो यहां पर इस विभवमापी तार में जो धारा बह रही है वो इस सेल के कारण बह रही है, तो इस सेल का विद्युत भाग बल चाहिए ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, जो के बसर पे कुंजी को हाथ में लूंगा और इस विभवमापी तार पर दौड़ाऊंगा और वह संतुलित लंबाई ज्ञात करूंगा जहां पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, शून्य विक्षेप देगा। माना मानक सेल ईएस के लिए संतुलित लंबाई कितनी हो गई बेटा, L1। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। ओके, बैलेंस करो, ES इज इक्वल टू में XL1 आ गई है वैल्यू। X क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, जैसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो x इज इक्वल टू में ई एस अपॉन एल वन, ये वैल्यू हो गई। ठीक भाई, हमने मानक सेल का विद्युत भाग बल कैलकुलेट कर लिया है, कर लिया। आफ्टर ऑल अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को वोल्टमीटर के द्वारा विभव का मापन करना है, जब तो त्रुटि निकल कर आएंगी, तो मैं क्या करता हूं, यहां से डॉट पिन को निकाल देता हूं, निकाल दी। अब द्वितीयक परिपथ को शुरू करता हूं, इसको बंद किया और अब मैंने डॉट पिन को टर्मिनल नंबर 2 और 3 के मध्य लगा दिया, लगा दिया। अब करंट यहां से यूज में आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, लगा दिया ना। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे पास प्रतिरोध बॉक्स है, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स है, अब इनकी रेंज 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, 5000 ओम, तो हम कोई भी लो रेजिस्टेंस वाला कोई भी प्रतिरोध बॉक्स यूज में ले लेते हैं और उस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई भी एक ज्ञात प्रतिरोध को उपयोग में ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 50 ओम का कोई प्रतिरोध बॉक्स है, उसमें से मैंने 5 ओम प्रतिरोध को काम में ले लिया, तो मैंने कितने प्रतिरोध को काम में ले रहा हूं, 5 ओम को ले रहा हूं ना, तो धारा अब कितने ओम के लिए बह रही है, 5 ओम के प्रतिरोध के लिए बह रही है, तो जो विभव उत्पन्न होगा वो केवल 5 ओम के प्रतिरोध के लिए उत्पन्न होगा, जिसका मापन मैं किसकी सहायता से करूंगा, वोल्टमीटर की सहायता से। ये वोल्टमीटर जुड़ रहा है कि नहीं, तो ढंग से सुनिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अब मैंने सेकेंडरी सर्किट को क्लोज किया, ठीक है, और ठीक उसी समय मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट पिन को हटाकर मैंने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट पिन को लगा दिया है। तो अब जो करंट यूज में आ रहा है वो सेकेंडरी सेल से आ रहा है, ठीक है, धारा अब यहां से बह रही है। अब मैं क्या करता हूं कि इस प्रतिरोध बॉक्स आरबी से किसी भी ज्ञात प्रतिरोध आर को उपयोग में ले लेता हूं और अब मैं धारा प्रवाहित करता हूं। अब जैसे धारा प्रवाहित करूंगा तो प्रतिरोध आर के स्रोत के मध्य विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उस विभव का मापन मैं किसके, उस विभव को तो ऑलरेडी किसने कैलकुलेट कर लिया था, वोल्टमीटर ने कर लिया था ना, लेकिन उसके मान में कुछ एरर थी, उन एररों को दूर करने के लिए हम उसके विभव का मापन वापस से किसकी सहायता से करेंगे, विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी की सहायता से विभव के मान की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो कि सभी कुंजी को हाथ में लेंगे और उसको वापस से विभव मापी तार को चुभे वाले सिरे पर रखेंगे और धीरे धीरे चलाना प्रारंभ करेंगे और वह संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, शून्य विक्षेप देगा। माना प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों
पर उत्पन्न विभव V डैश, माना प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न विभव V डैश के लिए संतुलित लंबाई कितनी है? L2। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो V डैश समानुपाती कितना आ जाएगा? L2 अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बैलेंस करेंगे, V डैश बराबर में एक्सेल्ट। अरे बात समझो, तो V डैश बराबर में एक्सेल्ट, ये हो गया भाई। अब हमें त्रुटि निकालनी है। त्रुटि कैसे निकालेंगे? अतः विभव के मान में त्रुटि। तो डेल्टा वी बराबर वास्तविक मान में से त्रुटिपूर्ण मान घटाएंगे, तो डेल्टा वी इज कस्टम में वी माइनस वी डैश। डेल्टा वी, वी अपनी जगह पर है वी डैश। वी डैश बराबर में कितना आ रहा है आपके पास? एक्सएल टू आ रहा है। अब यहाँ पर जो एक्स है इसका मान किससे रख देंगे? समीकरण नंबर एक से। तो वैल्यूशन कितनी निकल कर आ जाएगी? डेल्टा वी इज कस्टम में वी माइनस एक्स की जगह पर आप रखोगे ई एस अपॉन एल वन इंटू एल टू। अब यह घटाने पर जो भी मान प्राप्त होगा वो विभव के मान में आने वाली क्या हो जाएगी? त्रुटि, जिसकी जांच हमने किसकी सहायता से की है? विभव मापी की सहायता से। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक का सार एक बार मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ, जरा ढंग से सुन लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं वोल्टमीटर का अंशशोधन या अंशांकन, एक ही बात होती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सर जब हम विभव का मापन वोल्टमीटर की सहायता से करते हैं तो कुछ कारणवश उस विभव के मान में कुछ एरर्स आ जाती हैं, जबकि हम जानते हैं कि सर विभव मापी विभव का यथार्थ मापन कराता है, यथार्थ मापन कराता है। तो अब इस कंडीशन में उन एरर्स को दूर करने के लिए हम जो विभव मापी के द्वारा जो विभव का मान होता है उसके माध्यम से उस वोल्टमीटर के द्वारा विभव के मापे गए मानों में आने वाली त्रुटि उसको क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। यही क्या कहलाता है हमारा? वोल्टमीटर का अंशांकन या अंशशोधन। उसके लिए हमने परिपथ चित्र का निर्माण किया, जिसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने मानक सेल का विभव ज्ञात किया है, मानक सेल का विभव आपके पास ही आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है? एरर्स कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या किया है कि यहाँ से किसी ज्ञात प्रतिरोध को यूज़ में लिया है, उस ज्ञात प्रतिरोध का जो वास्तविक विभव था वो तो वी है ही है, लेकिन उसकी जाँच आप किससे कर रहे हो? विभव मापी की सहायता से कर रहे हो ना। तो आपने गैलोमीटर की सहायता से, सॉरी जॉकी की सहायता से वह संतुलित लंबाई ज्ञात किया जहाँ पर गैलोमीटर ने कितना विक्षेप दे दिया? शून्य विक्षेप दे दिया। ठीक है ना, और वो लंबाई कितनी मान ली आपने? L2। ये आपके पास आ गया, इसमें से ये मूल मान है, इसमें से आपने एरर प्रतिमान को क्या कर दिया? घटा दिया। अब घटाने पर जो मान आएगा वो क्या बच जाएगी? उसकी त्रुटि बच जाएगी, और ये क्या कहलाता है? वोल्टमीटर का अंशशोधन या अंशांकन। ठीक है, इसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन और बचती है, एमीटर का अंशांकन या अंशशोधन। उसकी जानकारी आपको अगली क्लास में दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।